गणेश चतुर्थी का दिन मैदान पर हाथी दिखाई दिया और टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। अपने कह सकते हैं कि इंग्लैंड की धरती पर वो कारनामा कर दिया जिसके बारे में आज भी चर्चा की जाती है इतिहास के पन्नों में, क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में। जब भी इंग्लैंड की धरती पर टीम इंडिया की जीत की बात होती है, पहली सीरीज की बात होती है, तो उस मैच का जिक्र ज़रूर होता है जिस मैच में हाथी ने टीम इंडिया को जिता दिया। जी हाँ, खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि हाथी ने टीम इंडिया को जिता दिया। वो किस्सा बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ये जो किस्सा है ये टीम इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज की जीत का किस्सा है जो इंग्लैंड में टीम इंडिया ने जीती थी ओवल टेस्ट मैच का, क्योंकि पहले जो दो टेस्ट मैच थे वो ड्रॉ हो चुके थे। उसके बाद में तीसरा जो टेस्ट मैच था ओवल में खेला जा रहा था, शानदार टेस्ट मैच था। उसमें क्या हुआ, बड़ा दिलचस्प किस्सा था कि टीम इंडिया को हाथी ने कैसे जिताया, कैसे एक हाथी ने टीम इंडिया की तकदीर को बदल दिया। ये किस्सा और कहानी बड़ी सुनने लायक है और बड़ी मतलब दिलचस्प कहानी है ये। दरअसल ये जो बात है ये है 1971 की, 24 अगस्त 1971 ओवल के मैदान पर टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत हो रही थी। खिलाड़ी मैदान पर पहुंच रहे थे, टीम मैदान पर पहुंच रही थी। गणेश चतुर्थी का दिन था। गणेश चतुर्थी को आप लोगों को पता है तो हिंदुस्तान में बहुत माना जाता है और हिंदुस्तान के प्लेयर अगर बेशक किसी भी देश में हो लेकिन अपने त्यौहार को हमेशा मानते हैं। तो गणेश चतुर्थी का दिन था 1974 24 अगस्त की बात है और खिलाड़ी जो है वो ओवल के मैदान पर जा रहे थे। आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा था की शुरुआत हो रही थी जो ओवल के मैदान पर था। पहले जो तो दो टेस्ट मैच थे उस सीरीज के वो ड्रॉ हो चुके थे, तो टीम इंडिया चाहती थी कि इस टेस्ट मैच को जीतकर पहली सीरीज इंग्लैंड में जीती जाए। तो हाथी मैदान पर दिखा और हाथी अगर मैदान पर दिखा तो हाथी को देखकर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी खुश हो गए। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लगा कि ये बहुत शुभ संकेत है, गणेश चतुर्थी के दिन अगर मैदान पर हाथी दिखाई देगा तो वास्तव में बहुत शुभ संकेत है। और उस वक्त के टीम इंडिया के जो कप्तान हुआ करते थे अजीत वाडेकर ने कहा कि वास्तव में अब हम इस टेस्ट मैच को जीत जाएंगे, अब हम इतिहास रच देंगे इंग्लैंड में सीरीज जीतने का, पहली सीरीज जीतने का, क्योंकि उससे पहले टीम इंडिया इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीत पाई थी। तो हुआ क्या कि मैच शुरू हुआ, हाथी मैदान पर था, हाथी को तो बाहर कर दिया गया लेकिन मैच शुरू हुआ और मैच में शानदार तरीके से इंडिया और इंग्लैंड की जो मैच टीमें शुरू हुई वहाँ पर इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन बनाए, भारत ने 284 रन बनाए, तो इसी हिसाब से इंग्लैंड को 71 रन की बढ़त मिली थी पहली पारी में। लेकिन दूसरी पारी में क्या हुआ, दूसरी पारी में कमाल कर दिया चंद्रशेखर ने अपनी गेंदबाजी के दम पर। कहा जाता है कि चंद्रशेखर पूरी तरीके से शरीर से स्वस्थ नहीं थे, वो विक्षिप्त थे, उनका मतलब शरीर का अंग जो था वो विक्षिप्त था, लेकिन उसके बावजूद चंद्रशेखर ने जिस तरीके की गेंदबाजी की वो कमाल की। चंद्रशेखर ने शानदार तरीके से 38 रन देकर 6 विकेट लिए इंग्लैंड के उस मुकाबले में। और जब भी इंग्लैंड में टीम इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज की बात की जाती है तो चंद्रशेखर का नाम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर ही वो खिलाड़ी थे जिसने दूसरी पारी में इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। केवल 38 रन देकर 6 विकेट चंद्रशेखर ने लिए थे, तो जाहिर तौर पर वो सीरीज हमेशा याद रखी जाती है चंद्रशेखर के लिए। और उस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सरदेसाई और इंजीनियर फारूक इंजीनियर दोनों ने शानदार पारियां खेली थी। 173 का टीम इंडिया को टारगेट मिला था दूसरी पारी में और वाडेकर जो कप्तान थे 45 रन और सरदेसाई ने 43 रन बनाए थे। द ओवल के मैदान पर ये मैच हुआ था और देखिए जब भी इंग्लैंड में हमने उसके बाद में तमाम सीरीज जीती लेकिन वो सीरीज जो थी वो सबसे अहम थी, क्योंकि एक तो टीम इंडिया ने पहली सीरीज जीती थी, 1971 से पहले टीम इंडिया इंग्लैंड में कभी भी सीरीज नहीं जीत पाया था, तो और इंग्लैंड के घर में इंग्लैंड को हराना वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस मैच के संकेत जो थे शुभ संकेत वो गणेश चतुर्थी के दिन मैदान पर हाथी दिखाई देने के बाद मिल गए थे, क्योंकि हाथी को शुभ माना गया। गणेश चतुर्थी के दिन अगर हाथी आपको मैदान पर दिखाई जाए, आपकी आंखों के सामने आ जाए, तो भारतीय खिलाड़ी उसको बड़ा शुभ मानते हैं। और वही शुभ संकेत जो टीम इंडिया के कप्तान वाडेकर को मिले उसकी वजह से टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये कि हाथी को मिलना, हाथी का मिलना, गणेश चतुर्थी के दिन मैच का शुरू होना और उसके बाद में जिस तरीके से चंद्रशेखर ने 6 विकेट लिए और पहली सीरीज जीतना, ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प किस्सा था। मैंने सुना, सोचा कि ये जानकारी आप लोगों को बता दी जाए कि इंग्लैंड के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज जीतने के पीछे हाथी का क्या रोल था, गणेश चतुर्थी के दिन का क्या रोल था और चंद्रशेखर की क्या शानदार गेंदबाजी का रोल था, ये दिलचस्प किस्सा आप लोगों को मैंने बताया। तो आपका इस तरीके के दिलचस्प किस्से सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।